हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर बी एडिट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस तरह की ब्लैक थीम वाली फोटो एडिटिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना बिना स्किप किए, ठीक है। और गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना है। तो चले गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, इस फोटो को हम एडिट करेंगे स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो गाइस, आपको सबसे पहले ये वाली बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन लिंक से, ठीक है, ये ब्लैक वाली बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद इसको आपको सेंड करना है सिंपली स्केचबुक ऐप के अंदर। ओके, सो देखिए, यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है इस ऑप्शन पे। एंड गाइस, यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट इमेज वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके एक लाइट वाली पेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसे साइज़ को आपको जूम करना है, इसे धनिया से कर लेना आपको डन, ठीक है। डन करने के बाद लेयर पे जाना, और इस लेयर पे क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को कर लेना आपको सॉफ्ट लाइट पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट लाइट। ओके, सो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अभी हमें क्या करना है गाइस, अपने मॉडल की फ़ोटो को ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोबारा, फिर ऐड फोटो पे जाएंगे और अपने मॉडल की फ़ोटो ऐड करेंगे, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर अपनी फ़ोटो ऐड हो चुकी है, डन कर लेते हैं यहाँ से। और इसके बैकग्राउंड को हमें इरेज करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इरेज करना बहुत ही सिंपल है गाइस, जस्ट आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए इस ब्रश पे आपको टैप करना है हार्ड इरेजर। आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये वाला ब्रश। ओके, देन इसके सेटिंग को ओपन कर लेना है, इसके अमाउंट इरेजर को आपको रखना है 95 के आसपास, ठीक है। और साइज़ यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हो गाइस। ओके, इसके बाद आपको फ़ोटो जूम करना है और कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, मैं इसे थोड़ा सा फटाफट से कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे गाइस, इसका हेयर वाला पार्ट आपको कैसे इरेज करना है, जस्ट आपको पेंसिल पे क्लिक कर देना है, एंड इसके अमाउंट इरेजर को आपको रख लेना है 10%, ठीक है, और साइज़ को इतना। ओके, फिर कुछ इस तरीके से आपको इरेज करना है जो हेयर वाला पार्ट, कुछ ऐसे, ठीक है। ओके, सो देखिए, यहाँ पर बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट तरीके से इरेज हो चुका है। इसको कर लेंगे गाइस ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस। देन ऐसे कर लेते हैं सिंपली डन, और डन करने के बाद दोबारा आपको जाना है ऐड फोटो पे, और आपको लाइट वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है, ठीक है। सो देखिए, ये वाली लाइट, और इसको आपको गाइस अपने फेस के ऊपर ऐसे सेट करना है। देन गाइस, इसके ब्लेंडिंग मोड को कर लेना आपको सॉफ्ट लाइट, ठीक है, देखिए सॉफ्ट लाइट। एंड इसके कैपेसिटी को आपको कम करना है लगभग 20 के आसपास, ठीक है, 20 रख लेना। ओके, इसके बाद गाइस हमें डॉज एंड बर्न करना है, तो उसके लिए हमें जाना है लेयर पे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाद जाना है कलर्स पे, देन यहाँ पे वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे, ब्रश पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये वाला ब्रश सिलेक्ट करना है हमें, लेगेसी पे एयर ब्रश, ठीक है। देन इसके सेटिंग को ओपन कर लेंगे, और इसके फ्लो को रखेंगे 10%, साइज़ को इतना, ठीक है। फिर फोटो को जूम कर लेना है सिंपली, और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना अपने बॉडी के ऊपर जैसे, ठीक है। देन गाइस, यहाँ पे फेस के ऊपर भी ऐसे ड्रॉ करना, इसे करते हैं डॉज। ओके, कुछ इसे ड्रॉ करने के बाद लेयर पे जाना है, और इसके भी ब्लेंडिंग मोड को कर लेना आपको सॉफ्ट लाइट पे, ठीक है। सो आप देखिए, फोटो एकदम परफेक्ट लग रही है,
ओके। सो यहाँ पे इतना करने के बाद जस्ट आपको इस फोटो को यहाँ से कर लेना है सेव, और इस फोटो को आपको ओपन करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, इसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए। सो देखिए यहाँ से कर लेते हैं फोटो सेव, एंड यहाँ से चलेंगे बैक और लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ से चलते हैं ऐड फोटो पे, देन यहाँ से अपनी फोटो को ऐड कर लेते हैं सिंपली। सो देखिए अपनी फोटो ऐड हो चुकी है, जस्ट इसके ऊपर हमें टैप करना है। ओके, तो सबसे पहले इस फोटो में लाइट एडजस्टमेंट करेंगे, इसके लिए आप लाइट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड कंट्रास्ट को गाइस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, हाईलाइट को थोड़ा सा प्लस, देन शैडो को भी थोड़ा सा प्लस, ओके ज़्यादा नहीं, वाइट को कर लेते थोड़ा सा माइनस, अब ठीक है, ब्लैक को कर लेंगे माइनस, यहाँ तक अब सही है। इसके बाद जाते हैं कलर्स पे, मिक्स पे आते हैं, मिक्स पे आने के बाद रेड कलर का सेचुरेशन बढ़ाते हैं ताकि हमारा लिप्स थोड़ा अच्छा दिखे। इसके बाद इसका सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस, फेस का कलर है ऑरेंज, लुमिनस को प्लस, अब तक ठीक है, ओके। देन ये बाकी कलर तो अपने फोटो में है नहीं, इसके बाद जाते हैं इफेक्ट के अंदर, टेक्सचर को थोड़ा सा प्लस करना है, क्लियरिटी को थोड़ा सा प्लस करना है कुछ ऐसे, मैग्नेट को थोड़ा सा माइनस, और यहाँ पे गाइस ब्लू कलर का सेचुरेशन थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है कुछ ऐसे, ठीक है, स्काई ब्लू का भी सेचुरेशन थोड़ा सा प्लस करेंगे, देन ऐसे कर लेते हैं डन। ओके, सो डन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी फाइनली फोटो एडिट हो चुकी है, ये देखिए एकदम रियलिस्टिक सी कलर एडिटिंग, देखिए बिफोर एंड आफ्टर एकदम HD क्वालिटी में गाइस आप देख सकते हो। तो फोटो को आपको सेव करना है, शेयर बटन पे क्लिक करके आपको सेव टू डिवाइस पे टैप करना है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।